हथियार होना चाहिए, नहीं तो पॉकेट में हाथ डाल के आता है, हाँ बनाएगा, अरे तुम कैसे बनाएगा? हाँ हाँ मेरे पास नहीं है कुछ, तो इसलिए जाओ, तुमको नहीं चाहिए, मैं दूसरे आदमी को बुलाएगा, भाई आओ तुम्हारे पास हथियार हैं? हाँ हमारे पास है, देखो बक्सा पूरा, आइए एक मुझे ये बनाना चाहिए। तो ये एक साधारण तत्व है, कोई काम करने के लिए कुछ हथियार चाहिए, है ना, टूल्स। सो अभी प्रेरिताई काम करने के लिए क्या चाहिए? पवित्र आत्मा का हथियार चाहिए, तभी हमको एवेंजलाइजेशन कर सकता। मैं करीब 40 साल तक मुझे मालूम भी नहीं था कि हर एक साधारण व्यक्ति को भी ये हथियार प्रभु ने दिया है, मुझे नहीं मालूम था। लेकिन पवित्र आत्मा जब मेरे हृदय पर ऐसा ज्ञान दिया, वरदान अभिषेक हुआ, तब सब कुछ कर सका। तो इन दिनों में अभी आज हमारा सबसे बड़ा यही प्रार्थना है कि आप सबों के अंदर पवित्र आत्मा का क्या क्या वरदान है उसको बाहर निकलना चाहिए। अभी मैं आपके घर में आया तो आप क्या देगा, आप पहले क्या पूछेगा, आइए भाई साहब बैठिए, आप क्या पियेंगे, है ना, चाय कॉफ़ी? अच्छा कॉफ़ी दीजिए, शक्कर डालूं? हाँ डालिए। और आप कॉफ़ी बनाया, शक्कर भी डाला, मुझे दिया, लेकिन भाई पी के देखा तो मीठा नहीं है। मैं बोला अरे ये तो मीठा नहीं है, क्यों मीठा नहीं है? आप बोले नहीं 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 मैं शक्कर डाला है, तो फिर क्यों मीठा नहीं है? आप तो शक्कर डाला ही है, कितना शक्कर डाला? मैं 3 चम्मच शक्कर डाला, फिर भी काफी, क्यों मीठा नहीं है? कोई है क्यों मीठा नहीं है? हिलाया नहीं, मैं भूल गया, मैं उसको मिलाया नहीं। समझ में आया? हम लोगों को बाप्तिस्मा द्वारा पवित्र आत्मा का सब वरदान हमारे अंदर दिया है, लेकिन ये शक्कर जैसा वो नीचे पड़ा है, तो आज हम उनको खिलाने वाला है, वही हमारा सबसे बड़ा प्रार्थना। पवित्र आत्मा का हर एक वरदान हमारे अंदर जो है उसको मिलाना चाहिए, तब ही वो बाहर निकलेगा, तब मीठा होगा, तब हमारा जीवन मीठा होगा, तब हमारा जीवन आकर्षित होगा, हमारे जीवन पर बहुत फर्क आएगा। तो इधर देखिए, प्रभु ईसा ने 12 को चुना, ईसा ने 12 को बुलाकर उन्होंने क्या किया? सबसे पहले सब अवधूतों को, अवधूतों पर सामर्थ्य दिया, अधिकार दिया, और रोगियों को चंगा करने का वरदान दिया। उसके बाद बोला जाओ सुसमाचार प्रचार करो। ये ओके 15 ओके ओके भूख लगता है क्या? फादर को भूख लगता है। अभी खाने का समय हो गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, अभी इसको रोकना चाहिए। ओ थोड़ा 5 मिनट, 5 मिनट। देखो
ये 12 लोग कौन था? ये 12 लोग प्रभु बुलाने के पहले वो सब सिर्फ मछुआ था, मछुआ। उनको कुछ नहीं मालूम था क्या सुसमाचार मतलब क्या होता है, चंगाई मतलब क्या होता है, कुछ नहीं मालूम था। मैं कल फादर लोगों के लिए उनको बताया, ये 12 को सेमिनारी में नहीं भेजा पहले, देखा पहले उनको वरदान दिया, तुम लोगों को मैं एक ज्ञान देता हूं, ये अधिकार देता हूं, तुम मेरा नाम लगा तो शैतान भाग जाएगा, तुम मेरा नाम लेकर हाथ लगाएगा तो चंगाई होगा, और उसके साथ तुम सुसमाचार बोलो। सुसमाचार वो क्या है? सुसमाचार स्वर्ग का राज निकट है, वही है सुसमाचार। तो यही होना चाहिए हमारा जीवन में, हम लोग सीधा जाके सुसमाचार काम करने के लिए नहीं, हमारे साथ सुसमाचार का कार्य करने के लिए जो वरदान होना चाहिए, वरदान होना चाहिए। और ये मत्ती का सुसमाचार भी वही लिखा है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 सातवां पद संख्या 7 में लिखा है, उन्होंने 12 को भेजा, क्या बोल के भेजा? ईसा ने, पांचवा शब्द से लेके अध्याय 10:5, ईसा ने इन 12 को यह एक आदेश देकर, यह आदेश देकर भेजा, आदेश नहीं अनुदेश, अन्य राष्ट्र के यहां मत जाओ और समरिया के नगरे में भी प्रवेश मत करो, बल्कि इसराइलियों को घराने की खोई हुए भेड़ों के यहां जाओ। उसके बाद राह चलते यह उपदेश दिया करें, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। उसके बाद अभी सब लोग एक साथ बताइए, रोगियों को चंगा करो, बोलिए रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, खोडियों को शुद्ध करो, नरक दूधों को निकालो, तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। क्या क्या बोला है? रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कैदियों को शुद्ध करो, नरक दूधों को निकालो। देखो 12 को भेजा है, ये बोल के भेजा है, ये सब करने के लिए अधिकार मैं देता हूं, जाओ रोगियों को चंगा करो। सिर्फ इतना ही काफी हमारे लिए है ना? तो हम समझना चाहिए हम लोगों पर ये सब वरदान है, और पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करेगा और ये सब वरदान को बाहर निकालेगा। और आज खाने के बाद जो सेशन होगा उसमें मैं आप लोगों को ग्रुप में लेकर ये सब का प्रार्थना कराएगा, कैसे चंगाई करना है, कैसे पवित्र आत्मा का शक्ति हमारे अंदर अनुभव होगा। तो इसलिए आप अभी से प्रार्थना कीजिए, हे पवित्र आत्मा अंदर यामी आ, ओ आत्मा नहीं, हे पावन आत्मा अंदर यामी, पावन आत्मा अंदर यामी,
बरसा दो अपनी कृपा, अपनी कृपा, अपन पावन आत्मा अंदर यामी, पावन आत्मा अंदर या बरसा दो निज वरदान। ये अभी आप अभी से प्रार्थना करते रहो, हे पवित्र आत्मा आज हमें सब वरदान, हमारे अंदर जितना वरदान है वो सब खोल के दिखाइए। ओके, सबको एक ऊंची ऊंची स्वर से जय बोलो, सब लोग सबसे ऊंची सर। ओके, बोलो प्रभु यीशु क्रिस्त की, नहीं इतना नहीं होगा, और जोर से बोलो प्रभु यीशु क्रिस्त की, हमारे मुक्ति दादा की, राजाओं की राजा की, हालेलुया, एक तालियां बजाकर प्रभु को आके कॉपी के आइए।